जनता को ये सोचने की बहुत ज़रूरत है इसके अंदर कि आखिरकार ऐसा क्या, ऐसा जनता को एक दूसरे पहलू में लोग देखते हैं या दिखाते हैं लोग कि जबरदस्ती जेल भेज रहे हैं या इलेक्शन का टाइम है तो जेल भेज रहे हैं, जांच पहले से चल रही थी। आप वैसे तो संसद में बार बार ही घेरते हो और अंदर समर्थन करते हो, बाहर आके अपोज करते हो, यहाँ भी बता दो तुमने ईडी वहाँ पर माफ़ी किस चीज़ की मांगी थी। तो इनके कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र जो है ना वो सामने आ रहा है। तरफ तो कहा कि हम स्कूल कॉलेज और इन पे ध्यान देते हैं, मेडिकल पे ध्यान देते हैं, पर आपका शराब पे ध्यान गया, बड़ा आश्चर्य की बात है। आपको बल्कि शराब को आधा कर देना चाहिए था, आपने डबल कर दिया। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण और मैं हूं हरीश असवाल। आखिरकार आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। सुबह से ही ईडी लगातार उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। ये पूरा मामला शराब घोटाले का है जिसको लेकर पहले भी कई आप नेता जो हैं वो जेल जा चुके हैं। काजोल, आज तीसरा नंबर था आप पार्टी का, आज तीसरा सबसे बड़ा नेता आज जेल गया है, जेल जाएंगे अभी, और उनकी गिरफ्तारी हुई। पहले जनता को ये सोचने की बहुत ज़रूरत है इसके अंदर कि आखिरकार ऐसा क्या, ऐसा जनता को एक दूसरे पहलू में लोग देखते हैं या दिखाते हैं लोग कि जबरदस्ती जेल भेज रहे हैं या इलेक्शन का टाइम है तो जेल भेज रहे हैं, जाँच पहले से चल रही थी। जब पहले से चल रही थी तो इसका मतलब जांच के दायरे में वो पहले से थे, सर्विलांस में वो पहले से थे, ठीक है। किस्मत ख़राब है, इलेक्शन आने वाले हैं, इसकी वजह से लोगों ने उसको वहाँ से लिंक कर दिया या उनके पार्टी के लोग वहाँ से लिंक कर रहे हैं। पर इससे पहले मैं सबको एक ध्यान दिला दूँ कि इन आप पार्टियों वालों के पास ये कहाँ से पनपे थे, क्या इनकी पोजिशन थी उस टाइम पर, और आज बड़ी बड़ी शादियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बंगले 15 लाख रुपए का पर डे का होटल, सोचिए कि ये सब आमंत्रित लोग थे उसमें शादी में, और इनका अगर वो देखें कि इनका सालाना इनकम क्या है तो सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए में 15 लाख रुपए का होटल लेते हैं। मैं संजय सिंह की भी बात करूं, संजय ऐसे किसी के ऊपर जहां आग है धुआं वहीं से उठेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आग बिना आग के धुआं उठ रहा है या जबरदस्ती किसी को पकड़ के ले जा रहे हैं। कानून व्यवस्था है ना, अगर आप कहते थे मनीष सिसोदिया को गलत पकड़ा, आप कहते थे कि सत्येंद्र जैन को गलत पकड़ा, तो भैया आपके भी वकील रहे होंगे, आपको भी सलाह दी होगी। जुडिशरी तो बिकाऊ नहीं है, आपने वहां अर्जी भी लगाई होगी, उनकी तरफ से क्रॉस हुआ होगा, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ ऐसे सबूत जरूर रहे होंगे जिसके कारण उसको बेल नहीं मिली। तो जनता को यह समझने की बहुत जरूरत है कि नेताओं के ना एक पक्ष वाले बयान पे मत जाएं कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। कल ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने खुद डायरेक्शन दी है कि आप किस तरह से आपका काम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो उन्होंने आज रेड किए। और उन्होंने ऐसा नहीं कि ईडी कोई खुलेआम घूम रही है कि किसी घर पे जाके रेड कर दे, किसी घर पे को आपने कहा कि फलाना आदमी बड़ा परेशान कर रहा है उसके घर को उठा लाओ उसे, ऐसा नहीं कुछ होता। तो क्लू होंगे, बिल्कुल तो बिना क्लू के कुछ नहीं होता। क्योंकि दिनेश अरोड़ा नाम का एक शख्स है जिसने ये पूरा खुलासा किया है, चार्जशीट में संजय सिंह का नाम है 3 जगह, एक जगह नहीं है। ईडी भी ये मान रही है, संजय सिंह कह रहे हैं कि हमने ईडी से माफी मांगी, लेकिन ऐसा ईडी कह रही है कि उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी, उनका नाम है, इसी वजह से उन्हें फिलहाल उठाया गया। अच्छा, है अब मैं आपसे पूछूं किस चीज की माफी मांगी, माफी की वही तो बात है ना कि उस पे जड़ तक कोई नहीं जा रहा है कि माफी किस चीज की माफी मांगी, पहली चीज यही तो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस चीज की माफी मांगी। तो ये एक बड़ा शब्द है कि ईडी को कहा कि मैंने माफी मांग ली। अरे भैया जनता को भी बता दो किस चीज की माफी मांगी। आप वैसे तो संसद में बार बार ही घेरते हो और अंदर समर्थन करते हो, बाहर आके अपोज करते हो, यहाँ भी बता दो तुमने ईडी वहाँ पर माफी किस चीज़ की मांगी थी। तो इनके कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र जो है ना वो सामने आ रहा है। अरविंद केजरीवाल आते हैं जब ईडी की छापेमारी होती है, कहते हैं कि वहां से उन्हें 1 रुपये नहीं मिला और ईडी खाली हाथ वापस जाएगी, लेकिन शाम होते होते जैसा मनीष सिसोदिया के साथ हुआ था वैसे ही संजय सिंह के साथ हुआ है। बिल्कुल, इसका मतलब अंदर खाने कुछ तो चल रहा है। ये जो आबकारी नीति आई थी शराब की, इससे कुछ ना कुछ आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया। पूरा दिल्ली इन्होंने एक पे एक फ्री कर दिया था। पूरे दिल्ली में पेट्रोल पंप पे भीड़ नहीं थी जितनी शराब की दुकानों में भीड़ थी। बकायदा दूसरे स्टेट से लोग आकर दिल्ली से शराब खरीद के ले जा रहे थे। एनसीआर के हरियाणा स्थिति थी, ये स्थिति थी। तो सोचने की बात है कि हम किस तरह से देश को लेके जा रहे हैं और मुद्दे क्या होने चाहिए थे उन पे बात नहीं कर रहे हैं। आप संजय सिंह के घर के बाहर लोग खड़े हैं, उनके समर्थन में लोग खड़े हैं,
अरे भैया वो समर्थन कर रहे हैं, पर आप ये भी तो देखिए गलत लोगों का समर्थन कैसे, क्यों गलत लोगों का समर्थन कर रहे हैं हम, ये गलत। अभी पहले ईडीएस सीबीआई को अपना काम करने दो, फिर पहले इसको हम इस तरह से भी तो समझ सकते हैं कि भले ही चले ठीक है आरोप जो कह रहे हैं कि हम पर गलत आरोप लगे, मान लिया कि गलत आरोप लगे हैं, लेकिन जो वो एक पे एक फ्री वाली जो नीति आप लेकर आए थे उससे कहीं ना कहीं युवाओं तो इसके पूरे बिल्कुल जद में आ गए थे। चलिए शराब को इस तरीके से दिखाया, मतलब बेसिकली उन्होंने शराब एक तरफ तो कहा कि हम स्कूल कॉलेज और इन पे ध्यान देते हैं, मेडिकल पे ध्यान देते हैं, पर आपका शराब पे ध्यान गया, बड़ा आश्चर्य की बात है। आपको बल्कि शराब को आधा कर देना चाहिए था, आपने डबल कर दिया। और क्यों ऐसी नीति लाए थे, किसको फायदा पहुंचाना था, किस तरह से फायदा पहुंचा लोगों को, जिनको नहीं पहुंचा, जिनके जिनके द्वारा ये कंप्लेंट दर्ज हुई कि हमने इतना पैसा लगाया था, इतने पैसे दिए थे, ये सब वही है। तो दिनेश अरोरा कह तो रहे हैं कि जब हमसे बातचीत हुई थी, हमने फंड दिलाने की यहाँ कोशिश की, तो हमसे कहा था कि जो भी तुम्हारे ऊपर ईडी या छापेमारी होगी तो हम उसमें आपको बचा लेंगे। तो ये साफ बातें हैं, अब कितनी सच है कितनी झूठ ये तो जांच हो जाएगी। ये तो जांच का विषय है, पर अगर कहीं धुआं है तो आग तो जरूर लगी है, और कहीं ना कहीं बात सच्चाई तो जरूर होगी। पर मैं सभी से बोलूंगा कि अपना ईडी सीबीआई को जो भी अपना काम कर रहे हैं अपने उनको काम करने दें, और वेट करें कि क्या होता आगे। आम आदमी पार्टी का चेहरा भी सामने आएगा कि भाई क्या वो सही में जनता के लिए कुछ फ्रीबीज वाली जो उनकी आदत है, अब देखते हैं उन्होंने फ्रीबीज में क्या नाम पे क्या। बड़े चेहरे चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, अगला नंबर किसका होगा, सवाल ये उठ रहा है, आम जनता पूछ रही है, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह ट्रेंड कर रहा है कि अगला नंबर बड़ी शादी करने वालों का हो सकता है, बड़ी महंगी शादी करने वालों का हो सकता है, तो जो शामिल होने वालों का हो सकता है। लेकिन हमें समझने की जरूरत है, जिस मकसद को लेकर इस पार्टी का गठन हुआ था लोकपाल बिल पर जी, उसके बाद फिर ये आए कि हम लोकपाल बिल लेकर आएंगे, हम जो है पूरी तरह से सफाया कर देंगे भ्रष्टाचार का। हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि 10 साल इस पार्टी को हो गए हैं और इतनी दो राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकारें बना चुके हैं और इक्के दुक्के राज्यों में इनके विधायक भी हैं, सांसद भी हैं। तो ये समझने की जरूरत है हमें कि जिस मकसद से हम आए हैं वो मकसद ना करके हम सिर्फ और सिर्फ फंसते जा रहे हैं, आरोपों का खंडन कर रहे हैं। देखिए आरोप जो लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर, अब केंद्र सरकार कोई ये तो है नहीं कि किसी की यहाँ भी छापेमारी कर देगी जाके या करवा देगी ईडी से। ये बिल्कुल सही बात है, पहले इनका बेसिकली आंदोलनकारी पार्टी है तो आंदोलन करना अच्छे से जानती है, हर बात पर आंदोलन, हर बात पर धरना, इनका ये हमेशा से एक नीति रही है। अब मैं इनसे आगे के प्रोग्राम में हम उस कुछ डेटा लेके और आएंगे, जिसमें पंजाब के अंदर इन्होंने कुछ मुफ्त की बातें की थी, पर उसके पहले कि हम वहाँ के जनता के लोगों के मतलब सरकारी लोगों से पूछेंगे क्या उनको सैलरी मिली कि नहीं मिली, या फ्रीबीज का क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, बिजली का क्या फ़ायदा हुआ। ये सिर्फ क्या है कि मंच पे जाके बस बोलना ही तो है कि हम फ्री में ये दे देंगे, फ्री में वो दे देंगे, या दिया भी है इन्होंने, उसका अल्टीमेटली नुकसान उसी जनता को होता है। ऐसा नहीं है कि एक पॉकेट से पैसे निकाले दूसरी पॉकेट में डालने वाली कहानी है, अपने घर से कोई नहीं देता, ना सरकार देगी ना वो नेता देगा, जनता का इस जेब का पैसा उस जेब से निकाला जाता है और उसको लगता है कि अरे यार तो मुझे फ्री में मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जनता को समझने की जरूरत है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। और खैर ईडी ने गिरफ्तारी तो कर ली है, अब देर रात ईडी कार्यालय में संजय सिंह रहेंगे, उनसे पूछताछ होगी, कल पेशी है, पेशी के बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं उसका इंतजार रहेगा। क्या आम आदमी पार्टी के आरोप केंद्र सरकार पर सही है या फिर ईडी जो कार्रवाई कर रही है उसमें बहुत कुछ खुलासा भी होना बाकी है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज जो लगातार हम हर वीडियो में आपको दे रहे हैं कि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ऐप जरूर डाउनलोड करें।